हेलो एवरीवन, आज हम एमआरआई के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी पे। जैसे हमने पिछली वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, डेफिनेशन पे, प्रिंसिपल पे, एनएमआर का बेसिक हमने जाना है, तो आज उसी में ही हम देखने वाले हैं हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी पे। ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या होती है? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास में हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्पिन कर रहे होते हैं। जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो विद द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड चले जाते हैं, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास में जब ये स्पिन कर रहा होता है, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था प्रिसीजन कर रहा होता है, तो वो प्रिसीजन का ही आज हम रेट चेक करने वाले हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करने वाले हैं कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से और कैसे वो जो है प्रिसीजन करता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास में यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, एक प्रोटॉन लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। और जब ये स्पिन कर रहा है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हो गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो इसके पास में क्या हो रहा है कि जब ये यहाँ पे स्पिन कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रिसीजन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो हमारे पास में देखने को मिल रहा है, ये इस प्लेन पे प्रिसीजन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीसीजन कहते हैं। और ये हमारे पास में प्रीसीजन प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस प्लेन पे ये प्रीसीजन करता है उसको प्लेन ऑफ प्रीसीजन कहा जाता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है कि इसके पास में जब हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, न्यूक्लियस हमारा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उस टाइम पे उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? वो टॉर्क फील करता है। क्या करता है? टॉर्क फील करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? टॉर्क फील करता है। इस टॉर्क की वजह से ये ऐसे स्पिन करते करते ये इस तरीके से गायरेशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि प्रीसीजन करना स्टार्ट कर देता है। अब जो ये प्रीसीजन हमारे पास में कर रहा होता है, ये क्या हो, किस वजह से कर, देखो हमारे पास में क्या होता है कि जब हमारे पास में हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रेंडमली कहीं पे भी क्या कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्पिन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। अब या तो ये अपसाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अपसाइड हो सकते हैं, या फिर ये डाउन साइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डाउन साइड हो सकते हैं। लेकिन जो अपसाइड होते हैं उनको हम लोअर एनर्जी पे मानते हैं, और जो हमारे पास में डाउन साइड होते हैं इनको हम हाई एनर्जी पे मानते हैं। इनको क्या कहते हैं? हाई एनर्जी पे मानते हैं। लेकिन इनके अंदर पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इनके पास में क्या होता है कि ये अलाइन हो जाते हैं, अलाइन होने के साथ साथ में ये प्रोसेस करना भी स्टार्ट कर देते हैं, प्रिसीजन करना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इन पे टॉर्क लग रहा होता है। क्या होता है? टॉर्क फील कर रहे होते हैं ये। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास में हमारा जो ये प्रोसेस होगा, मतलब कि ये कितना प्रिसीजन करेगा और कैसे प्रिसीजन करेगा, न्यूक्लियस है या हमारे पास में ये जो प्रोटॉन हमारे पास में है, ये है हमारा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कितना प्रिसीजन कर रहा होगा और किस फ्रिक्वेंसी से कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जानने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास में हमारा जो रेट ऑफ प्रिसीजन होगा, क्या होगा? रेट ऑफ प्रिसीजन होगा, ये कितना होगा। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। किसके होता है? मैग्नेटिक फील्ड के। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी स्ट्रेंथ के, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। मतलब कि जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज करोगे, उतना ही आपके पास में प्रिसीजन भी बढ़ जाएगा। जितना आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उतना ही प्रिसीजन भी कम होगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास में हो गया प्रिसीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास में या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मगर अगर आपके पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो आपका प्रिसीजन रेट भी बढ़ेगा, और अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो प्रिसीजन रेट भी आपका कम हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे यहाँ पे हम इक्वेशन में रख दें इजिकल टू, तो यहाँ पे हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम कहते हैं गामा, ठीक है। और ये हमारे पास में कौन सा कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं गायरेशन। क्या कहते हैं? गायरेशन रेशियो, ठीक है।
या फिर हम इसको कह सकते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, क्या कह सकते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, गायरेशन फ्रीक्वेंसी होती, गायरेशन रेशियो होता है, क्या होता है, गायरेशन रेशियो होता है। और इस पूरे फॉर्मूले को हम कहेंगे लार्मर इक्वेशन, क्या कहेंगे, लार्मर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में लार्मर इक्वेशन हो गई। तो ये गायरेशन रेशियो जो हमारे पास में है ये कितना होगा, देखो अगर हम यहाँ पे जो प्रोटॉन हमने ले रखा है ये किसका ले रखा है, हाइड्रोजन का ले रखा है, ठीक है ना। तो जब हम हाइड्रोजन के प्रोटॉन की बात करेंगे तो उस टाइम पे ये जो गायरेशन रेशियो हमारे पास में होगा ये कितना होगा, 42.58 मेगा इलेक्ट्रॉन मेगा हर्ट्स पर टेस्ला। तो ये हमारे पास में कुछ इस फ्रिक्वेंसी का जो है वो क्या होगा, गायरेशन रेशियो होगा। तो इस क्वांटिटी में हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रखेंगे, और रखने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इससे इसको निकाल सकते हैं कि हमारे पास में कितना प्रिसीजन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। और इस इक्वेशन को हम गायरेशन इक्वेशन कहते हैं, और इसी तरीके से हम अपने यहाँ पे लार्मर फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। तो हमारे पास में लार्मर फ्रीक्वेंसी में इतना ही होता है, ठीक है ना। हमें अगर इसकी कभी इक्वेशन निकालनी हुई तो हम इस प्रोसेस से, इस इक्वेशन से इसका जो है क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं और हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमारा जो प्रिसीजन होता है वो प्रिसीजन कितनी फ्रीक्वेंसी से और कैसे कैसे यहाँ पे होगा। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी में इतना ही, और हमारी MRI की थर्ड वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।